भागवत में जगह जगह जो हिंसा प्रधान लगे हुए हैं, जैसे प्राचीन वर्णी का है, बड़ी भारी निंदा है वहाँ कि वो भाला लेकर के पशु मारे हुए, और स्वर्ग में जब तुम जाने लगोगे तो बीच ही में वो तुमको मार के गिरा देंगे, ऐसा वर्णन है। तो भागवत में से तो कोई यज्ञ में हिंसा का समर्थन नहीं कर सकता। हाँ, हिंसा का समर्थन करना हो तो हम ग्रंथों का नाम बता सकते हैं, बोलो जरूरत क्या है। भागवत को सर्वथा हिंसा का विरोध है, उसी में हिंसा बिहारा हिंगा लक्ष्मी वाला जो श्लोक है वो हिंसा की घटना की निंदा करता है, कुछ वो उनकी व्याख्या लोग हैं। राजा धर्माधिकारी से जाकर पूछो, वो ठीक ठीक बताए। हम लोग को गांधी जी की व्याख्या का नहीं है कि उन्होंने क्या किया। हम गांधी जी का विरोध भी कर सकते हैं, समर्थन भी कर सकते हैं। जो लोग गांधी जी का समर्थन भी समर्थन करते हैं, और उनसे पूछो ये प्रश्न तो उसका भी अपवाद। और वो जो गीता में है उसका तो अर्थ है स्मृतिर ज्ञान मको अनंत। स्मृति माने स्वप्नावस्था, और ज्ञान माने जागृत अवस्था, और अपोहन माने दोनों का अपवाद सुषुप्ति अवस्था। ये तीनों किससे होते हैं? कमत्ता आत्मा से होते हैं, आत्मा से ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों प्रकाशित होते हैं। सर्व ही रहने हो रहे थे वहाँ तो स्मृति ज्ञान और अपोहन तीनों अवस्था के बाद। अपोहन माने जब दोनों मालूम ही न पाए, दोनों का ऊहन न हो, माने दोनों की कल्पना ही जहाँ न हो, वो क्या है? तो वो सुषुप्ति मस्त है, परमात्मा का आत्मा है। मुझसे ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं होती हैं। ये है जब कोई परमात्मा होता है वो बहुत स्वतंत्र होता है, निरंकुश। उसका मन आवे सो जाए, उसका मन आवे कल्पना कर ले, उसका मन आवे अपने को कैदी बना ले। हाँ, ग्वालिया बाबा ने हथकड़ी बेड़ी पहनी और मंदिर में खड़े हो गए ठाकुर जी के। परमात्मा जब स्वतंत्र है तब वो जागे सोए सपना देखे, हाँ रोए हंसे गावे। परमात्मा तो परमात्मा ही है, उसके ऊपर ये क्या अंकुश लगाना कि परमात्मा ये नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर। हाँ, परमात्मा तो आप कर सकता है। जब परमात्मा को जानने वाला महात्मा भी सब कुछ कर सकता है, तो परमात्मा के बारे में सब कुछ करते हुए भी नहीं। हाँ, जत्पाद रासलीला में एक श्लोक है, जत्पाद पंकज पराग निशीव तृप्ता योग प्रभाव विभूता खिल कर्म बंधा स्वैरम चरन्ति मुनयो पिन नज्यमाना। जो भगवान के चरणारविंद का ध्यान करने वाले अथवा समाधि लगाने वाले योगी भी स्वच्छंद विचरण कर सकते हैं, आचरण कर सकते हैं। तो हम परमात्मा के लिए तो क्या बंधन है? देखो, परमात्मा चोर बन गया, परमात्मा जार बन गया, परमात्मा रोने लगा, हंसने लगा, भागने लगा। तो ये परमात्मा की स्वतंत्रता का ही सूचक है कि वो सब कुछ कर सकता है। भगवान बने में कमी नहीं, अगर कुछ करने से भगवान बने में कमी आती हो तो वो सच्चा भगवान नहीं है, वो नकली भगवान है। हरे हरे प्राणदास प्रहलदवा कारण भगवा हो गए भगवा। जो मछली बन गया, कछुआ बन गया, सुअर बन गया, वो कभी थोड़ा सो ले तो क्या आ रहे।
गुरु साहब ने कहा जो कुछ करे तो ही भला मान, अपन सद को मान, किसी को परमात्मा भी माने और फिर ऐसा करो ऐसा मत करो ये उसके ऊपर हुक्म चलाओ, उस पर हुक्म नहीं चलता है। हुक्मी तो वही है ना, हुक्मी हुक्म ऐसे जब जी साहब है जो हुक्मे बुझे हमें कहे न को, हमें कहे न को आपे कर्म करावन हार, क्या है खाता न जाए कीता न हो, खाता न जाए कीता न हो, आप निरंजन सोई, वो आरोप नहीं है। खाता न जाए माने आरोप नहीं, कीता माने रचना नहीं है, कोई उसको बना नहीं सकता, माने किसी की रचना का नाम ईश्वर नहीं है और किसी के आरोप का नाम प्राण प्रतिष्ठा का नाम ईश्वर नहीं है। आप क्या निगर क्या मतलब हुआ चार सत्य के तरह ही अपार उनको वेदों ने शास्त्रों ने अनेक भावों से कहा भाव भक्त को आखे मंगन से जे याद करे दाता, भक्त को प्रभु के आगे कहना चाहिए अपना हाल और मांगना चाहिए भक्ति का दान और बार बार कहना चाहिए जे जे प्रार्थना सुनता है। फिर कैसे रखिए बेटा क्या रखनी चाहिए, करे प्यार जिसको देख कर वो प्रसन्न हो वो ही भेजा कोई भेज सके, वो के बोलन बोलिए वो कभी क्या क्या वचन कहना चाहिए जिस क्षण करे प्यार सूत्रात्मक शैली में लिखा गया है। जब साहब ने बहुत ग्रंथों का बड़े बड़े व्याख्यान इससे प्रश्न भी और उत्तर भी साथ ही साथ, इस धर्म का अनर्थ करने का दोष क्या सब धर्मों के नामों पर है, लोभ को है न ब्राह्मण को न क्षत्रिय को लालच को दे। जैसे एक पति पतिव्रता स्त्री अपने पति के सिवाय दूसरे को पुरुष के रूप में ही नहीं देखती, उत्तम के अतबस मन माही सपने हुआन पुरुष जग माही, तो जिसने परमात्मा के सिवाय और कोई है ही नहीं जिसके हृदय में बस भगवान भगवान भगवान, देख मौत का रूप धरे में नहीं डरूंगा तुमसे मैं, दो ही बात हो सकती, या तो परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई चीज न रहे, सब अव्यभिचारी है भाव प्राप्त हो, और या तो सब कुछ परमात्मा ही हो सब अव्यभिचारी भाव हो, यदि दोनों के सिवाय कोई तीसरी बात है तो अव्यभिचारी भाव होगी, या तो जो है तो सब कुछ परमात्मा, मेढक भी परमात्मा है चीटी भी, फिर तो जो देखेंगे जहाँ देखता हूँ वहाँ तू ही तू है, और या तो उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, केवल दो स्थिति को छोड़कर तीसरी कोई ऐसी अवस्था नहीं है जिसमें अव्यभिचारी भक्ति योग हो, न साधन है न भजन है न योग है न उपासना है। गुरु भी जब ऐसा होगा जिससे बड़ा कोई दूसरा गुरु न हो माने परमात्मा ही हो, जब तक गुरु में परमात्मा भाव परमेश्वर भाव नहीं होगा
तो हमारे गुरु जी का वैराग्य थोड़ा कम है। वो महात्मा बहुत वैरागी है। हमारे गुरु जी थोड़े कम विद्वान हैं, वो महात्मा बहुत विद्वान है। तो जब तक गुरु में ही पूर्ण बुद्धि नहीं हो सकोगी, तब तक शिष्य को अपने में तो पूर्ण बुद्धि कभी होगी। कोई कहेगा भूत की पूजा करो तो हनुमान जी मिलेंगे, फिर हनुमान जी राम जी को मिलाएंगे। ऐसे राम जी थोड़े मिलते हैं, बिल्कुल भूत की पूजा करवा देगा। 12 बरस के बाद गोबर साधना फलक से अगर अपने गुरु में पूर्ण बुद्धि नहीं होगी तो 12 बरस के बाद फिर गोबर साधना पड़ेगा। जहाँ जाओगे फिर छठे कोष से ही विवेक शुरू होगा। वो कहने लगा आपके सामने हम ऐसा काम करें, गुरु ने अग्नि जगाए, कहा भोजन बनाओ, कहा ऐसी ज्ञान है आपके साथ हम कैसे, आपके रहते बैठे जब भोजन बनाओ और भोजन खाओ तो जो बात तो आगे हटानी है अब सामने अपना सिर झुकाते हैं केवल अभिमान ही है और उसमें कोई तथ्य किसी पर विश्वास नहीं है, किसी को अपना हितैषी नहीं मानते हैं, अपने देह इंद्रिय को ही सबसे ऊपर रखना चाहते हैं, अपने मन की ही दूसरे को ऊपर चलाना चाहते हैं। यदि तुमको दुनिया में अब तक एक भी निर्विकार नहीं मिला है तो तुम तो कभी निर्विकार हो ही नहीं सकते, और दूसरे को निर्विकार मानोगे तो श्रद्धा से ही मानना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई योग्य है ही नहीं दुनिया में। सबको जब आपने अयोग्य करा है भगवान के दर्शन कर जाते हैं। और आत्मा क्या है? आत्मा इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, सातों से काम बन जाए। और नौ क्या? नौ सदा संतन चल ही मम भरोसे जी हरे सुन जी। आठवें नवे को भी आने दो भाई, आठवें पर रुको मत। छल जीना जो है ना ये बहुत मुश्किल है। को भल कहो देव कछु को अस वासना हृदय से निधे, हे हरि यह भ्रम की अलता है। तुलसी दास बहुत प्रीत पुजाई वे पर पूज वे पर छोर, एक सिख सिख है और मानक मूर्ख दास देव भी हृदय उजाते हैं। जब हमारी ही यह हालत है तो दूसरे पर दोष कैसे देंगे? चार आश्रम में सबसे श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ है, उसी में से सब पैदा होते हैं, उसी से सब सब आश्रमों के जन्म लाभ का कारण भी गृहस्थ है और रोटी देने का कारण भी गृहस्थ है। बाबा सुनाते थे उड़िया बाबा जी महाराज, कहीं एक गांव था गंगा किनारे, वहाँ सब आर्य समाजी थे। कोई साधु आता और उससे पूछते कि साधु बड़ा कि गृहस्थ बड़ा, साधु लोग कहते कि साधु बड़ा, बोले जाओ तुमको भिक्षा नहीं मिलेगी। फिर घूमते फिरते बाबा भी गाँव पहुँचे, उन्होंने पूछा साधु बड़ा गृहस्थ बड़ा, तो बोले तुम्हारे घर पर रोटी मांगने आए हैं तो बड़े तो तुम ही हो, गृहस्थ बड़ा है तो भाई रोटी मांगने के लिए आए हैं। बोले ये साधु बहुत अच्छा है। तो महाराज कुछ दिन यहाँ ठहरो,
बहुत अच्छे महात्मा आए, अब ठहर गए तो लोग सत्संग करने के लिए आने लगे, अब वो आर्य समाजी से वेदांती हो गए, सब बदल गई दुनिया, सत्संग होने लगे और साधु का बड़प्पन बिहारो तो गृहस्थ लोग जो है कहेंगे बड़े अभिमानी हैं। इसलिए जिससे रोटी जिस माँ से पैदा हुए, एक माता जी थी वो बाबा के पास आए रामघाट में, बाबा उस समय स्त्रियों से मिलते नहीं थे, जो धीरे 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 बाबा तो मिलते नहीं है स्त्री से, तो माता जी ने कहा कि जाओ पूछो उससे कि माँ के पेट से निकला है कि नहीं। लोगों ने कहा बाबा से जाके वो तो इससे बोलती है, तो बाबा उठ के चले आए उनके पास, वो थी अरविंद राम कृष्ण की पत्नी शारदा माता जी, बहुत दिनों तक कभी मैं आनंदमयी माँ के यज्ञ में जब गया था बनारस, सभी वो जिंदा थे, बनारस में ही रहती, हमको उनके हाथ की बनाई रसोई बहुत खास रखी और बाबा को भी उन्होंने बहुत खिलाया, क्योंकि वो थी बंगाली और बाबा को उड़ीसा से, तो वहाँ के जो पकौड़े और तरह तरह की खिचड़ी और पकवान होते वो इधर के लोग तो जानते ही नहीं, 50 तरह की खिचड़ी बना सकते, जब कढ़ाई में घी चढ़ा के बैठती थी तो लो पकौड़ी, आलू की पकौड़ी, बैगन की पकौड़ी, लौके की पकौड़ी, पत्ते की पकौड़ी, पकौड़ी पर पकौड़ी खाते जाओ, भूख लग गया। एक दिन तो मैंने इतना खाया कि सोचा कि भूख नहीं सकेंगे, यही बात इतने भी स्वामी योगानंद जी आ गए, क्या रखा उनको देख के तो उसके खड़ा ही होना पड़ा, जा सब तक ये कुछ कुछ जब तक दूसरा रहेगा तब तक ये हमारे सिर पर चल बैठेगा, भाई धर्म बहुत ही दूसरे से भय होता है, और सानिया लोग अपने से भी डर सके, संयम किसी को कुछ ज्यादा न दे दो, जब तक दूसरा रहेगा तब तक डर बना रहेगा, केवल अद्वैत परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर भय की जरूरत है। अभयम मोबाइल देने का प्रयास, अभयम प्रतिष्ठान अपने को ऐसा हमें डाल एक बार शनिश्चर शनिश्चर देवता है ना ग्रह, वो विष्णु भगवान के पास आया कि अब विष्णु भगवान हमारी सारे साथी आ रही है तुम्हारे ऊपर, तो विष्णु भगवान ने कहा कि आने दो कोई बात नहीं, तो वो है ग्रीव बन गए घोड़े 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 करे, अब देखते हैं शनिचर हमारा क्या बिगाड़ता है। 7.5 वर्ष बीतने पर जब हयग्रीव जी बैकुंठ में लौटे तब विष्णु ने कहा क्यों शनिचर हमारा क्या बिगाड़ा, और बोले बिगाड़ा क्यों नहीं, लक्ष्मी अलग छूट गई, शेष नाल अलग छूट गए, बैकुंठ अलग छूट गया, घोड़ा होके जंगल जंगल मारे बाबा जी जितने लोग होते हैं ना इनको 7.5 नहीं 100 बरस की 7.5 न घर न घरवाली न बेटा न बेटी न रुपया न पैसा मांग मांग के खाए किसी से तुम अब तक नहीं है मैं भी आ जाती मस्ती मस्ती आने के डर से ही तो साधु नहीं होती कपड़ा में भी उतना पीछे की रहते हैं, तो छोड़ो फिर सफेद ही रखो अब, क्योंकि इससे कभी घर भी हुआ होगा Thank you.
कभी माया के चक्कर में भी गया है, कभी ठीक है ना, घर में जादू करनी